आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट्स ऑन ओरिएंटेशन, मतलब क्या कि सब्सट्रेट्स का ओरिएंटेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमको इस चीज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सब्सट्रेट्स क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। जब आप इन दो चीजों के बारे में समझोगे उसके बाद इस पूरे हेडिंग का क्या मतलब है आपको ये समझ आएगा, फिर जब पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेंगी। पहले हम आपको समझाते हैं सब्सट्रेट्स क्या होता है। देखो हम एग्जांपल चल रहा है हमारा बेंजीन का, तो हम लेते हैं बेंजीन, ये रहा हमारा कोई बेंजीन, ठीक है। अब हमको पता है कि बेंजीन जो होता है तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हमारा। बेंजीन क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हमारा। बेंजीन क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चलो मान लो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये है, इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक किया, तो करता क्या इलेक्ट्रोफाइल? हमको पता है कि इसके हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कुछ और नहीं करता बल्कि जाता है हाइड्रोजन को हटा देगा और जाके अपने वहां खुद बैठ जाएगा। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या कि जो जाएगा किसी को वहां से उसको हटाएगा और अपने खुद बैठ जाएगा। तो समझाया आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या, ये अब जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, बनेगा कुछ इस प्रकार का, बाकी सब चीजें हर जगह वैसी वैसी रहेगा, हर जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा हर कॉर्नर पे रह जाएगा। अब सब्सटेंस का मतलब समझाया, अब आपको समझ आते हैं ओरिएंटेशन का मतलब क्या। ओरिएंटेशन का मतलब होता है गाइड करना, ठीक है। क्या मतलब हुआ बता रहे हैं, देखो अब ये जो हमारा फिगर है, अगर इस पे ये स्ट्रक्चर पर अगर मान लो कोई दूसरा सब्सटेंस अटैक करे, कोई दूसरा सब्सटेंस अटैक करे, मान लो वाई नाम का सब्सटेंस है कोई दूसरा, ठीक है। वाई सब्सटेंस है क्या, कोई एटम होगा, कोई ग्रुप होगा, अगर ये अब इस पर अटैक करे, मतलब ये इससे जुड़ना चाह रहा है, तो बताओ कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा? तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो। इस चीज का डिसाइड करता है ये वाला आदमी, मतलब ये जो हमारा एटम है, ये जो ग्रुप है, ये डिसाइड करता है कि वाई कहां जाएगा, यहां 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 यहां। देखो जो ये एटम है इसके बगल वाले को हम बोलते हैं आर्थो पोजिशन, इसके बगल वाले को बोलते हैं मेटा पोजिशन, इसके बगल वाले को बोलते हैं पैरा, ये भी हमारा मेटा, ये क्या हो गया हमारा आर्थो। मतलब वाई हमारा आर्थो पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा, इस चीज का डिसाइड करता है ये वाला एटम, इसको हम बोलते हैं की एटम। यही की एटम डिसाइड करेगा कि वाई कहां जुड़ेगा, यहां 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 कहां। तो ये चीज कैसे करता है, यहां पर दो कंडीशन है। अगर ई के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, अगर एक एटलीस्ट कम से कम अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा वाई आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। समझ आया आपको, ये पहला केस। दूसरा केस, अगर ई के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, या अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसके पास अगर हो तो वाई जुड़ेगा हमारा मेटा पोजिशन पे। तो पहले केस के बाद पहला केस लेते हैं क्या, कि जब की एटम, जब की एटम जिसको हम बोल रहे हैं ये वाला एटम, की एटम क्या रखा हो, एटलीस्ट कम से कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये हमारा कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखे रहेगा तो वाई हमारा कहां जुड़ेगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो कहां जुड़ेगा हमारा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अब आप कहोगे काहे काहे वाई हमारा आर्थो पैरा पर काहे खाली जुड़ेगा, तो उसका हम आपको एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा देते हैं कि हमारा जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कम से कम अगर एक होगा तो ये कहां जुड़ेगा, आर्थो एंड पैरा पर क्यों जुड़ेगा, आपको समझा देते हैं। तो चलो इतना छापो फिर उसके बाद हम समझाते हैं। चलो अब हम लेते हैं ऐसा एग्जांपल जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो चलो एक हम एग्जांपल इसका एक फिनॉल है, फिनॉल के पास कम से कम दो ठो तो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको चाहिए कम से कम एक ही। तो ये रहा हमारा फिगर फिनॉल का, देख रहे आपको ये। अब
जो फिनॉल है, ध्यान से देखो अगर फिनॉल को, तो इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कंजुगेशन पाया जा रहा है, हमको पता है लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन पाया जा रहा है। कंजुगेशन पाए जाने की वजह से इसका इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा, और रेजोनेंस पाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, ये वाला यहां से यहां चला गया, तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा देखो। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर, इसे यहां पे डबल बॉन्ड लगाया मैंने, यहां से जिधर तीर जाता है उधर माइनस चार्ज, जिधर तीर का पूछ होता है उधर प्लस चार्ज, तो यहां पे माइनस आया इधर प्लस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए, तो यहां पे नेगेटिव, और यहां पे ये डबल बॉन्ड हमारा ये है, ये डबल बॉन्ड ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो फिर से, तो फिर से यहां से अब इसमें पाया जा रहा है रेजोनेंस, फिर से रेजोनेंस है देखो, माइनस चार्ज सिग्मा बटा पाई हुआ, तो फिर से देखो, तो यहां पूछ है तो दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये यहां फिर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे फिर हमारा डबल बॉन्ड प्लस CH, ठीक है ये। अब फिर से इसका देखते हैं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों मिलके यहां डबल बॉन्ड यहां बना लेंगे, एक ठो डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और ठीक है। अब तो फिर हमारा माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर फिर यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड जिधर देखो प्लस माइनस मिलकर फिर यहां पे ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये एच, और ये रहा हमारे की, तो ये इसके रहे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से देखो, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने खींचा इसका, ठीक है, तो इसके यहां पे कहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुई, मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो देखो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, फिर कहां बढ़ी है, यहां बढ़ी है, फिर कहां बढ़ी है, यहां, तो इस पोजीशन क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन क्या बोलते हैं, ये वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन, इस वाले पोजीशन क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। और हमको पता है आर्थो पैरा और फिर आर्थो ही है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रो हमको पता है किस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो चीज जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो अब ये कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, अधिकता हो, तो इलेक्ट्रॉन अधिकता कहां है, यहां यहां या यहां, मतलब बोले तो यहां पे या यहां पे या यहां पे, मतलब आर्थो पे या फिर पैरा पे या फिर आर्थो पे, ठीक है, आर्थो या पैरा इन्हीं दो जगहों पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा है, तो ज्यादा है आर्थो या हमारा पैरा पोजीशन पर। इसीलिए ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमारे यहां पे कम से कम इसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, जब लोन पेयर देखो इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहां अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ना स्टार्ट, कहां जुड़ना चाहेगा, वो जुड़ना चाहेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पर, यही डिसाइड किया है इसी का, ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही डिसाइड किया इसको जुड़ना कहाँ है, इसीलिए बोला मैंने कि जब इसके पास कम से कम अगर एटलीस्ट वन, इसके पास कम से कम अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहाँ जुड़ेगा हमारा दूसरा सब्सटेंस है, वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा चीज लेते हैं, जब हमारा जो हमारा की एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो सब्सटेंस आएगा, वो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। आपको हम ये दिखाते हैं, पहले आप इस चीज को छाप लो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो हमारा की एटम है, जैसे OH, देखो यहाँ पे OH है, तो उसका एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मतलब कि OH हो, Cl हो, Br हो, I हो, NH2 हो, Na2 हो, ये सब चीज अगर रहेंगे, तो समझ जाना कि हमको हमारा जो हमारा सब्सटेंस आएगा वो कहां जुड़ेगा,
वो सब स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं कहाँ, ये आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, ठीक है। तो यही सब की आइटम है जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ जुड़ेगा सब स्टूडेंट्स, किंतु कुछ की आइटम का मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिव, ठीक है। अब इस चीज को बना लो, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला समझाता हूँ कि जब इसके बाद पार्सली या कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो, छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें हमारा की आइटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा। आपको हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल हमारा ये है, चलो इसमें ध्यान से देखो, सॉरी ये बना देते थोड़ा आपका बेंजीन का ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पार्शियली जो चार्ज मैंने बोला तो वो डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब कि अब अगर इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल या बोले तो कोई सब्सटेंस अटैक करेगा तो कहाँ जुड़ेगा, मीटा पोजिशन पे। आपको हम दिखाते हुए हैं, चलो ये देखिए। तो देखो पहले ध्यान से देखो तो इसमें एक कंजुगेशन पाया जा रहा है, पाई सिग्मा पाई। कंजुगेशन की वजह से इसमें एक रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होंगे। तो पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाला यहां, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला सी यहां पे, ये वाला ये यहां पे, ओ नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे ओ सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। अब देखो यहां पे प्लस था यहां माइनस, दोनों दूसरे को क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहां पे यहां प्लस यहां माइनस डबल बॉन्ड और यहां पे इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, सॉरी यहां पे पूछ है तो जिधर पूछ रहता है उधर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो ये यहाँ पे ये यहाँ पे की फिगर है, अब फिर से देखो तो प्लस सिग्मा पाई, फिर रेजोनेटिंग रेजोनेंस हो रहा है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो दिखाते हैं आपको इसका हो जाएगा सर। ये यहाँ करो तो ये फिगर कुछ हमारा ऐसे होगा, फिर से प्लस सिग्मा पाई, फिर से हमारा बनेगा कंजुगेशन, तो इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब फिर से देखो तो अगर इस पर अटैक करे तो इसका फिर एक स्ट्रक्चर ड्रा होगा, ये है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सी ओ एच और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों मिलके फिर से एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमारा इसका क्या है, स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से देखो तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया मैंने तो इसके आर्थो और पैरा इन दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन प्लस लगाया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहां पे तो कम है, यहां आर्थो और पैरा पोजीशन पे, आर्थो पैरा या आर्थो जो हमारा आर्थो है उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो ज्यादा कहां है, मीटा पे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सब्सटेंस होगा वो कहाँ जाके जुड़ता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो सब्सटेंस होता है वो हमारा कहाँ जाके जुड़ेगा, इसी मेटा पोजिशन पे जुड़ता है, कहाँ जुड़ेगा, इसी मेटा पोजिशन पे। तो समझना है आपको, जब पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजिशन पे, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो देखो जो हमारे की आइटम है, कुछ की आइटम हमारे ये हैं, देखा यही जो की आइटम है इसकी वजह से कहाँ डेवलप हुआ है, कहाँ ये सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ हमारा मेटा पोजीशन पे।
तो देख लो इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिव, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मेटा डायरेक्टिव। तो ये था हमारा कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन ओरिएंटेशन, मतलब सब्सटेंस कहाँ जुड़ेगा, ओरिएंटेशन मतलब कोई गाइड करने वाले आइटम के प्रेजेंस में। तो कोई गाइड करने वाला आइटम कौन है, ये सब जो की आइटम सब गाइड करने वाले हैं, यही लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा सब्सटेंस होगा वो कहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान टॉपिक है। अब मैं इसका दूसरा लेता हूँ, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्टिविटी, उसको समझाते हैं। ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया, अब हम आपको रिएक्टिविटी पे समझाते हैं। चलो छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्टिविटी, मतलब कि सब्सटेंस का रिएक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इसके बारे में जानते हैं। मतलब क्या, सुनो, जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर आपको समझाते हैं कि हमने कोई एग्जांपल हमने लिया है कुछ कंपाउंड, जैसे मान लो एक कंपाउंड लिया हमने बेंजीन, ठीक, एक कंपाउंड हमारा ये है बेंजीन, और हमने एक और कंपाउंड लिया मान लो हमारा वो कंपाउंड है ये, और मान लो एक और कंपाउंड ले ले रहे हैं हमारा कंपाउंड है वो, चल ये तीन कंपाउंड है, इसको वन नंबर दे देते हैं, इसको टू नंबर दे देते हैं, इसको थ्री नंबर दे देते हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब सब्सटेंस अगर इस पे अटैक करेगा, मतलब इसके साथ जुड़ना चाहेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो तीनों में से किससे पहले किसके पास पहले जाएगा जुड़ने के लिए, यही हमको जानना है। तो आपके पास ये एक दो तीन तीनों, तो देखो सबसे पहले किसके साथ, मतलब रिएक्टिविटी किसके साथ जल्दी करेगा, वो सबसे पहले जुड़ेगा तीन नंबर वाले इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में जुड़ेगा इसके साथ। अब कहोगे क्यों ऐसा, तो देखो वन बाय वन आपको हम समझाते हैं कि सब्सटेंस सबसे पहले इसके साथ क्यों जुड़ेगा, फिर इसके साथ क्यों जुड़ेगा, फिर इसके साथ क्यों करेगा। तो देखो आपको दिखाते हैं, पहले इसकी बात करते हैं NH2। देखो ध्यान से देखो, NH2 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ठीक है, आपको मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि NH2 अगर मतलब कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, मतलब कि इस पे इसके जो ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पे जो आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आर्थो और पैरा इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो तुरंत दिखेगा यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, डेंसिटी ज्यादा है, तुरंत इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ जल्दी आकर जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखो अब इसके में क्या होता है, देखो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में क्या होता है, इसमें दो इफेक्ट काम करता है, एक होता है प्लस आर इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान से समझो, देखो चल देखो एक कंपाउंड है, अब क्या हुआ, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो अब ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव में, देखो ये भी क्लोरीन बेंजीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो होता क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ये क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन हमको पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, मतलब ये इसके ये यहां पर ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से बढ़ जाना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं, मतलब बोले तो ये जो हमारा एटम है या फिर जो ग्रुप है या फिर जो सब्सटेंस हमारा ये यहाँ पे की एटम प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, आर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर दे रहा है, ये भी कर रहा है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने का मतलब कि ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट भी लगता है, क्योंकि जो हमारे ये हैलोजन होते हैं, ये हैलोजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। तो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस बेंजीन रिंग से, ठीक है, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब अपनी ओर खींच लेगा, मतलब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन माइनस आई में क्या हो रहा है, ये पूरे बेंजीन का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर छीन ले रहा है। तो होता क्या है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है, अगर हम इन दोनों की तुलना करें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर पड़ जाता है प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, प्लस आर
इफेक्ट से, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शक्तिशाली है प्लस आर इफेक्ट से, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मतलब कि माइनस आर इफेक्ट का मतलब इस बेंजीन का पूरा इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा, ये ज्यादा होगा, जबकि अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको देना ये कम होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन देना ही, मतलब ये बोले तो ये ज्यादा माइनस आर इफेक्ट ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा इफेक्टिव है, तो क्या होगा कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन का अपनी ओर खींच लेगा। तो बेंजीन को बेंजीन पे क्या होगा, तो बेंजीन पे इसके पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की बोले तो ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसको खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी क्या इलेक्ट्रॉन की कमी खुद है, ये इसके साथ जुड़ना चाहेगा नहीं, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां ना जाना चाहेगा। मतलब बोले तो ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दे रहा है। एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, डेवलप होगा, तुरंत आपके इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ती है, इलेक्ट्रोफाइल तुरंत जुड़ेगा। इसमें बात करता है तो ये यहाँ पे डेंसिटी घट जाती है, प्लस लग जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी, डेंसिटी जैसे ही घटेगी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है। अब देखो इसका मतलब ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाला कम, इसके साथ कम। अब इसके देखते हैं, तो देखो ये केस तीनों में से क्या, ये काफी जल्दी इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जल्दी जुड़ेगा, और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल सबसे कम जुड़ेगा, और इन दोनों के बीच में आता है ये क्या है, ये इससे तो खराब है लेकिन इससे तो अच्छा ही है, इसलिए इसको हम बीच में लेते हैं। मतलब कि ये ना तो हमारा ये मतलब कि ये मतलब बोले तो मोर, जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बोले तो इस पर डेंसिटी ज्यादा है, ना तो ये जो ये बेंजीन रिंग है हमारा इससे अच्छा है, इससे बेकार है, लेकिन इससे क्या है, अच्छा है। इसलिए हमारा क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा वो सबसे पहले इसके साथ जुड़ेगा, फिर उसके बाद इसके साथ, और फिर उसके लास्ट में इसके साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीन नंबर को पहले दिया, वन नंबर को बाद में दिया, सेकंड। ये काम उसी तरीके से है जैसे प्लस वन जीरो और माइनस वन होता है, ठीक है। जीरो जो है इससे तो कम है, इससे तो कम है लेकिन इससे तो ज्यादा ही है, इससे तो अच्छा ही है जीरो। माइनस वन नंबर लाना तो बेकार है, क्योंकि माइनस वन कौन है, ये, तो माइनस वन नंबर लाने से अच्छा है कि हम जीरो नंबर ला दें, ठीक है। लेकिन एक नंबर से तो अच्छा, एक नंबर से तो बेकार ही है ना कि जीरो नंबर पाना। तो वही चीज है कि ये क्या है एक नंबर, ये क्या है माइनस वन नंबर, और ये क्या है जीरो, ठीक है। तो वही ये केस था कि कोई भी सब्सटेंस जब जुड़ेगा तो सबसे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ जुड़ना चाहेगा। तो ये होता है हमारा तरीका है कोई भी रिएक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है सब्सटेंस का, ठीक है। काफी आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।